नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का केपल एक्सपीडिशंस में। तो गाइज, आपको आज ले जाने वाला हूँ मैं एक बेहद खूबसूरत ट्रेन जर्नी में, जो कि कालका से स्टार्ट होती है और शिमला में एंड होती है। तो बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में और कईयों ने की भी होगी कालका शिमला टॉय ट्रेन। तो ऐसा नहीं है कि कोई खिलौने वाली ट्रेन है, बट हाँ, जब से अंग्रेज़ों ने छोड़ा है हमें, मीन्स जब से अंग्रेज़ इंडिया से गए हैं, तब से ट्रेन ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई हैं। बस वही छोटी वाली ट्रेन अवेलेबल है हिमाचल में। तो हिमाचल में वैसे ज़्यादा ट्रेन्स नहीं चलती हैं, एक शिमला में चलती है, एक आपकी जोगिंदर नगर साइड चलती है, मीन्स जो कांगड़ा में पड़ती है, और ऊना तक। अगर हम बात करें कुल्लू मनाली साइड, मंडी साइड, मेन मंडी की बात कर रहा हूँ, या फिर कुल्लू साइड मनाली साइड, तो अभी तक वहाँ पर कहीं पर भी ट्रेन नहीं चलती है। तो अगर आपने हिमाचल में पहाड़ों के बीच में ट्रेन का एंजॉय करना है, वो भी आजकल विंटर्स में स्नो के टाइम, स्नोफॉल के टाइम, तो कालका और शिमला जो ट्रेन जर्नी है वो बहुत ज़्यादा दिल खुश करेगी। तो बुकिंग डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे आप बुक कर सकते हैं, बट उससे पहले आप जान लें कि पूरे साल में आपके पास दो बेस्ट टाइम होते हैं जिसमें कि आपको ये ट्रेन एंजॉय करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका अपना भी वो रह सकता है ओपिनियन कि आपको कब जाना है कब नहीं जाना है, बट मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल विंटर्स में, जैन से लेकर फेब एंड तक, और दिसंबर में जब स्नो फॉल होती है तब एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप जुलाई अगस्त में, क्योंकि उस टाइम बरसात होती है और बाहर जो माउंटेन्स दिखेंगे आपको, लश ग्रीन दिखेंगे और बेहद खूबसूरत। इवन आप जून में भी कर सकते हैं, आपको स्नो कैप माउंटेन भी दिखेंगे जैसे ही आप शिमला पहुँचने वाले होंगे तब। तो ये कुछ एक वक्त है जब आपको ये टॉय ट्रेन एंजॉय करनी ही चाहिए। जैसे आजकल अगर मैं बात कर दूँ, 25 हो गई है, कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ, तब भी आप इसको एंजॉय कर सकते थे, क्योंकि सोचो ना, जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और बाहर स्नोफॉल हो रहा है या स्नो दिखाई दे रही है, तो यार बात ही अलग होती है। गाड़ी में सब ढका ढका रहता है और गाड़ियों में फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट अगर ट्रेन की बात करें तो उस खूबसूरती को हम व्यक्त नहीं कर सकते अभी यहाँ पे। तो उसके लिए आपको ये बुक करनी चाहिए। तो चलिए मैं प्रोसेस बताता हूँ कि आप उसको कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल जी को खोलने का है और उसमें IRCTC टाइप कर देने का है, जो कि है इंडियन रेलवे की वेबसाइट। तो वहाँ से उसको खोल देना, ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्रॉम अपनी डेस्टिनेशन डाल देनी है क्या है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो कालका है उसमें दो चार अलग अलग नेम है। देखो यहाँ कालका KLK, उसके बाद यहाँ पे धर्मपुर हिमाचल जो है वहाँ पे भी कालका है, और सोलन का कालका। तो आपको ध्यान रखना KLK वाला डालना है, जो कि हरियाणा से स्टार्ट होगा और टू शिमला। मैक्सिमम लोग यहाँ पे SHI MLA करते हैं, बट ये वाला शिमला आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए इसको शिमला करना है SML, और उस पर क्लिक कर देना और अपनी जो भी जिस भी डेट को आप जाना चाहते हैं, चलो फॉर एग्जांपल हम 26 का कर लेते हैं, तो फिर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दो चार अलग अलग आपको ट्रेन्स मिलेंगी, जैसे हिमालयन क्वीन का मिलेगा, शिवालक DLX एक्सप्रेस मिलेगी, KLK कालका एक्सप्रेस मिलेगी, फिर SPL मिलेगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, और अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप रात को जल्दी पहुंच जाते हैं, जैसे 3:45 AM पे पहुंच जाते हैं, तो आप इसको कालका एक्सप्रेस को कर सकते हैं, कालका SML एक्सप्रेस को कर सकते हैं, या शिवालिक एक्सप्रेस को कर सकते हैं जो कि 5:40 पे है। तो आप किसी भी को भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं फ़र्स्ट क्लास हिमालयन क्वीन फर्स्ट क्लास को करता हूँ, तो सबके फेयर अपने अपने अलग अलग हैं। जैसे इसका 4.75 है, बट वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं आप, 2 मार्च तक, 8 मार्च तक, 14 मार्च तक, 20 मार्च तक, देख लो भाई वेटिंग लिस्ट कितनी लंबी है। सिर्फ 19 मार्च को जाके 5 अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कि ये जो टॉय ट्रेन है शिमला कालका टू शिमला और शिमला टू बैक टू कालका, ये वाली बहुत लोग करते हैं। खासकर कालका से जब जाते हैं तो वो शिमला टॉय ट्रेन में ही जाना पसंद करते हैं। तो ये मैं बोल दूँ कि ये बहुत ज़्यादा, अगर आजकल की बात करूँ तो यार स्नोफॉल में इतनी मस्त लगेगी ना ये चीज़, तभी इसी चक्कर से देख लो कितनी वेटिंग लिस्ट है। और ये पूरा जैन फेब ऐसे ही रहती है वेटिंग लिस्ट, तो इसीलिए आपको महीना पहले कम से कम आपको ये बुक करना पड़ेगा, क्योंकि बुकिंग की जो मैक्सिमम डेट है वो 21 मार्च है, और आपको एक महीना पहले बुक करना पड़ेगा। बट दिल छोटा मत करना, अगर हिमालयन क्वीन नहीं मिली तो कोई बात नहीं, शिवालिक एक्सप्रेस ले सकते हैं आप। तो देख लो आप, इसमें 26 में 8 अवेलेबल हैं, 20
सेवन में 5 अवेलेबल हैं। तो अगर आप अकेले हैं तब आपको दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी। अगर एक दो की वेटिंग लिस्ट हो तो फिर भी सीट एडजस्ट हो जाती हैं। बट अगर आप ग्रुप में हैं तो भाई ध्यान से बुकिंग करें, क्योंकि अगर आप पहली प्री बुकिंग ढंग से नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगी। कभी भी वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो तब बुक मत करना ग्रुप के लिए, अगर अकेले हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि भाई 600 रुपये 800 रुपये इस तरह से बुकिंग अमाउंट आ रहा है आपका, तो सस्ती कहाँ मिलेगी? तो सस्ती हम दिखाएंगे आपको। तो जैसे ये सेकंड एसी है, कालका शिमला एक्सप्रेस, ये देख लो आप 65 रुपये में आप बुक कर सकते हैं। बट इसमें भी वेटिंग लिस्ट बहुत है, मतलब शिमला घूमने वाले, वो भी कालका शिमला घूमने वाले बहुत हैं। तो गाइज इस तरह आप बुक कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। तो बस ये था, ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा आपको, पहले बुक करें, कम से कम भी 1 महीना पहले बुक, तभी आपको शिवालिक एक्सप्रेस में या फिर हिमालयन क्वीन में सीट मिल पाएगी। तो दोस्तों आपको लग गया पता कि आप कैसे बुक करेंगे कालका टू शिमला टॉय ट्रेन की सवारी। बट यहाँ पे कुछ और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हेल्प करेंगी, कि जैसे मान लो अगर आपकी चंडीगढ़ तक ट्रेन बुक है ऑलरेडी, तो चंडीगढ़ से कालका का जो टाइम लगेगा वो आपको आधे एक घंटे में पहुंच जाओगे आप, अगर टैक्सी करते हैं कुछ भी करते हैं, अगर आपकी चंडीगढ़ तक ही जो ट्रेन बुकिंग है तो। और अगर हम कालका से शिमला की बात करें तो वैसे तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 90 किलोमीटर होगा हार्डली, गाड़ी में खुद से 3 घंटे 4 घंटे रख लो मैक्सिमम लग जाएंगे। तो बट यहाँ पे जो ट्रेन है उसका ज़्यादा लगेगा टाइम, बिकॉज ये जो ट्रेन्स है वो आपको वैसी नहीं मिलेंगी जैसे कि दिल्ली टू शिमला, जैसे कि दिल्ली टू आपकी चंडीगढ़ चल रही हैं बड़ी ट्रेन्स, ये छोटी हैं, तभी नाम इसका टॉय ट्रेन दिया गया है। और दूसरी बात है ये वक्त बहुत लगाएगी, लगभग 5 से 6 घंटा आपका कालका से शिमला पहुंचने के लिए लगेगा। तो इसीलिए यहाँ मत सोचना कि आपको कालका से शिमला जल्दी पहुंचना है, यहाँ बस यही सोचना कि मुझे जितना हो सके एंजॉय करना है इस रूट पे, बस यही है कि सीनिक व्यू है और आपको उसको एंजॉय करना है। हो सके तो आपका अगर प्लान है शिमला घूमने का, मनाली घूमने का, मीन्स शिमला मनाली इकट्ठे करने का प्लान है, तो भी आप इस कालका शिमला टॉय ट्रेन को बुक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं आ रही है, 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर आप सुबह 4 बजे चलेंगे 5 बजे चलेंगे तो शिमला आपको ये लगभग 10 बजे पहुँचा देगी, उसके बाद आप शिमला का लोकल टूर भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ज़रूर बताना आपको यार कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, और कौन कौन करना चाहता है कालका शिमला टॉय ट्रेन, और वो भी आजकल स्नोफॉल के टाइम। तो अभी बात कर दूँ यार, स्नोफॉल के टाइम पे ना, जब भी आप अगर प्लान कर रहे हो तो पहले ही अपनी वेदर प्रेडिक्शन देख लें। अगर 3-4 दिन बढ़िया आपको लग रहा है कि स्नोफॉल हो रहा है शिमला में, या फिर आप वीडियोस देखते हैं किसी की कि स्नोफॉल हो रहा है, तभी आप ये ट्रिप प्लान करें, क्योंकि भाई उस टाइम पे ना सीरियसली बोलें स्वर्ग लगता है ये, जब ट्रेन चल रही हो और जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं ना भाई, अद्भुत नज़ारा होता है। तो ज़रूर बताना कौन कौन करना चाहता है कालका शिमला। तो बस गाइज मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ़।